सभी को मात नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत। नमस्कार, मैं अनमोल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम फूड एंड इंटीरियर है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको दीदी कैफे रेस्टोरेंट में लेकर आए हैं। इस कैफे एंड रेस्टोरेंट की खास बात ये है, अगर आप देखेंगे सामने तो इसमें साफ लिखा हुआ है, स्वाद नहीं तो पैसा नहीं। और ये जो कैफे है, इसे गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया जाता है। अगर आप इस तरफ में देखेंगे तो संस्कारधानी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा इसे चलाया जाता है। और दीदी कैफे रेस्टोरेंट इसका इसलिए भी नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैफे में वर्क करने वाले लोग हैं वो सारी महिलाएं हैं। महिलाओं के द्वारा ही इस रेस्टोरेंट को चलाया जाता है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक और यूट्यूब चैनल है इनक्रेडिबल एमपी के नाम से, जिसमें हम मध्य प्रदेश के जितने भी प्राचीन किले हैं, मंदिर हैं, या जो भी हिस्ट्रीज रह चुकी है हमारे मध्य प्रदेश की, उसको हम उसमें दिखाते हैं। तो उसी के चलते आज हम यहाँ पर इसलिए आए हुए थे क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये देखिए, यहाँ पर महारानी वीरांगना रानी दुर्गावती जी की समाधि है और इसी समाधि के ठीक बाजू में ही दीदी कैफे रेस्टोरेंट है। रानी दुर्गावती जी की पूरी सीरीज हमारे इनक्रेडिबल एमपी यूट्यूब चैनल पर है दोस्तों, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको यहाँ क्या क्या मिलता है, फूड मेन्यू क्या है और इसे किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से चलाया जाता है, सारी चीजें हम आपको बताते हैं। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना था दोस्तों। आप यहाँ ऐसे सुहाने मौसम का मजा सामने दिखाई देते सुंदर नजारों को निहारते हुए चाय की चुस्की के साथ अपने फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं। कैफे के ठीक सामने ही हमने यहाँ पर तुलसी का पौधा लगा देखा और अंदर आते ही दीवार पर हमने गणेश जी के भी दर्शन किए। आप जब भी यहाँ पर आएंगे आपको अपने घर जैसा ही यहाँ पर फील होगा दोस्तों। इस कैफे का उद्घाटन 2 साल पहले रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस 24 जून को किया गया था। और बात अगर हम इस कैफे के इंटीरियर की करें तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर हमें यहाँ का इंटीरियर लगा दोस्तों। दीवारों और टेबल पर हमने कई तरह की मिट्टी से बनी कई कलाकृति भी देखी जो हमें हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का संदेश दे रही थी। ये रेस्टोरेंट प्योर वेजिटेरियन है दोस्तों। हमने यहाँ पर आलू के पराठे ऑर्डर किए जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। बात अगर इनके फूड मेन्यू की करें तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम रेट पर बहुत बढ़िया खाना मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम आपको इस कैफे को चलाने वाली महिलाओं से मिलाते हैं। नमस्कार दीदी। नमस्ते। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम शशि मरावी है। जी। सीमा मरावी मेरा नाम। जी। और दीदी? मेरा नाम जेम्पी वर्कर। अच्छा, आप लोग सब यहीं पर रहते हैं? अच्छा, और भी आपके स्टाफ के लोग और भी हैं आपके साथ में? हाँ, दो लोग और हैं। अच्छा, तो ये सारी चीजें आप ही लोग मैनेज करते हैं? जी, जी। और ये सरकार द्वारा बनवाया गया ये? हाँ, ये एमपी टूरिस्ट है। अच्छा, एमपी टूरिज्म दिया गया है चलाने के लिए। एक आजीविका का और एक इनकम ऑफ सोर्स भी रहे कि हाँ आप लोग थोड़ा सा मैनेज करें। ये कितने साल हो गए इस आपके कैफे को ओपन हुए? ये अभी 24 तारीख को 2 साल हो जाएंगे। 24 तारीख को? अच्छा, और ये पूरा आप ही लोग मैनेज करते हैं? हाँ, ये पूरी दीदियां, हम लोग दीदियां चलाते हैं। आपके हाथ का बना हुआ खाना बहुत बढ़िया था, अभी मैंने खाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच दीदी। इस कैफे की हर एक चीज हमारी यादों में हमेशा रहेगी दोस्तों। यहाँ हमें एक अलग सा सुकून, अलग सी शांति महसूस हुई। ऐसा लगा मानो यहाँ की हर एक चीज हमें हमारे इतिहास से जोड़ना चाहती हो, हमसे कुछ कहना चाहती हो,
अगर आपको मेरी ये बातें मजाक लग रही हैं, तो आप कभी इस कैफे पर आकर थोड़ा समय जरूर बिताइएगा और महारानी दुर्गावती जी के इतिहास के बारे में भी जरूर जानिएगा। हमारा आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को मात नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत।